हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नए व्लॉग में। अभी हम पाण्यारी में हैं। आगे के व्लॉग में आपने देखा कि पाण्यारी व्लॉग का मैंने पार्ट वन बनाया था, ये उसी का पार्ट टू है। अभी आपको वाटरफॉल पर्वत के ऊपर से दिखा रहा हूँ। वीडियो बहुत बड़ा बन गया था, इसी वजह से इसका पार्ट टू बनाना पड़ा। तो यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा है, धीरे धीरे बारिश भी हो रही है, टेम्परेचर बहुत ही खुशनुमा है। तो ये वाटरफॉल वो तो आपको दिख रहा है, ये वाटरफॉल मानसून में ही होता है। तो जब भी आप यहाँ पर आए तो ध्यान रखना मानसून के सीजन में आना, वरना तो यहाँ का प्लेस आपको इतना अच्छा खुशनुमा नहीं दिखेगा। ये वाटरफॉल कहाँ से शुरू हो रहा है, मैं आगे अकेला आगे जाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ तक जा सके वहाँ तक। मेरी फैमिली को यहाँ ही रखता हूँ, मैं अकेला ही जा रहा हूँ क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर लील जम गई है, एरिया बहुत ही स्लिपरी हो चुका है, इसी वजह से ध्यान से चलना होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, साथ में फेसबुक पेज पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर गौशाला जाली से टककर बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर भालू कभी भी आ सकते हैं। तो गौ माता के रक्षण के लिए पूरी फैमिली के साथ
पानियारी में बहुत ही मज़ा आया और आज का ट्रिप बहुत ही अच्छा गया। आज के दिन का कोट भी आपको सुनाता हूँ। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जय श्री कृष्ण। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट व्लॉग में आप कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने वाले हैं तो बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय।